उसमें चेक कर लीजिए, 5 के बाद पेज नंबर 9 अटैच किया हुआ है, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा पेज नंबर को। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 6, बैक ऑफ पेज नंबर 6, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन एल्जेब्रिक नंबर फील्ड। इफ़ के इज़ एन एल्जेब्रिक नंबर फील्ड एंड के बाई क्यू बी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एन एंड क्यू के विद द रिंग ऑफ इंटीजर्स। नाउ लेट अल्फा बिलोंग्स टू क्यू के रिंग ऑफ इंटीजर्स का कोई एलिमेंट है तो एल्जेब्रिक इंटीजर होगा, एंड डब्ल्यू वन टू डब्ल्यू एन बी इंटीग्रल बेसिस फॉर के। सपोज दिस इज एन इंटीग्रल बेसिस ऑफ के। इंटीग्रल बेसिस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इंटीग्रल बेसिस इज द जिसमें जिसका डूअल कंजुगेट्स के जो एलिमेंट्स हैं डेट ऑल्सो फॉर्म बेसिस एंड बिलोंग टू क्यू के, तो वो इंटीग्रल बेसिस होता है। सो डब्ल्यू वन टू डब्ल्यू एन अगर इंटीग्रल बेसिस है देन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ के को हम डिफाइन करते हैं डी के से, डिटर्मिनेंट ऑफ डब्ल्यू आई जे कंजुगेट्स ऑफ बेसिस एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं डब्ल्यू वन वन डब्ल्यू वन टू, ये आई रोज को डिनोट करता है, जे डिनोट्स कॉलम। सो डब्ल्यू वन वन डब्ल्यू वन टू डब्ल्यू वन एन डब्ल्यू टू वन डब्ल्यू टू टू अप टू डब्ल्यू टू एन, इन द लास्ट डब्ल्यू एन एथ रो डब्ल्यू एन वन डब्ल्यू एन टू डब्ल्यू एन एन। सो डी के इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ के डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ डब्ल्यू आई जे विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर। इसको दिस हम इसको अर्लियर हमने इसको डिनोट भी किया है दिस मैट्रिक्स एज सिग्मा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज सिग्मा स्क्वेयर वेयर सिग्मा इज इक्वल टू डब्ल्यू आई जे। नाउ शो डैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे स्टार इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ इंटीग्रल बेसिस। हमें प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ इंटीग्रल बेसिस। हम कोई भी इंटीग्रल बेसिस लें इसकी वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटीग्रल बेसिस आती है, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करती। लेट दीज एंड दीज बी टू डिस्टिंक्ट बेसिस फॉर के। डब्ल्यू आई को अब क्योंकि दो बेसिस हैं तो फर्स्ट बेसिस को दूसरे बेसिस के एलिमेंट्स के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो डब्ल्यू आई इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थीटा जेज, क्योंकि ये भी बेसिस के एलिमेंट्स हैं और ये भी, तो डब्ल्यू आई को हमने लिख लिया जे वन टू एन सी आई जे थीटा जे। सिमिलरली थीटा आई के बेसिस के एलिमेंट्स को हम इसके बेसिस के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज़ रिटन एज समेशन जे वन टू एन डी आई जे डब्ल्यू जे वेयर दीज आर ऑल इंटीजर्स। देन मैट्रिसेस सी आई जे एंड सी आई जे इनवर्स। देखिए ये जो है सी आई जे, अगर हम थीटा जे को इस इधर ले आए, थीटा इधर थीटा जे की वैल्यू निकालनी है, ये अगर लेफ्ट में लाएंगे तो सी आई जे का इन्वर्स आएगा। सो जो डी आई जे है वो क्या हो गया, सी आई जे का इन्वर्स ही हो गया एक तरह से। सो द मैट्रिसेस सी आई जे एंड सी आई जे इन्वर्स, दोनों की एंट्रीज जेड में है, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कि दीज आर ऑल आर इंटीजर्स और डी आई जे एक तरह से क्या है, सी आई जे का इन्वर्स है, क्योंकि इधर हम इसको एलिमेंट्स को इधर लाएंगे तो थीटा जे की वैल्यू आएगी, तो सी आई जे का इन्वर्स आ जाएगा इधर आके। सो डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे इन्वर्स। सो क्योंकि दोनों की एंट्रीज इंटीजर्स हैं सो सी आई जे एंड सी आई जे इन्वर्स बोथ हैव एंट्रीज इन जेड। सो डिटर्मिनेंट भी उनके बिलोंग करेंगे जेड से, कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू सारे इंटीजर्स हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी इंटीजर वैल्यू आएगा। अब देखिए कोई मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स दोनों का डिटर्मिनेंट अगर इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो वन होगी या माइनस वन, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है वो वन अपॉन द डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वर्स, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होना चाहिए। लेकिन अगर ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है तो इंटीजर दोनों एक ही केस में इंटीजर हो सकते हैं जब वन या माइनस वन आए डिटर्मिनेंट। नाउ हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे स्टार। सो ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे स्टार किसके इक्वल होता है, हमने पहले भी किया है, ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई समेशन डब्ल्यू जे स्टार, डुअल बेसिस होता है जिसके एलिमेंट्स को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस लिख सकते हैं, तो ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई सी के जे डब्ल्यू के, ये हमने पिछले थ्योरम में किया था लास्ट में। तो डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे स्टार, डब्ल्यू जे स्टार की वैल्यू पुट कर दी, समेशन बाहर आ गया ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू के, तो इसका बिहेवियर जो है वो इसके
बिहेवियर के जैसा ही होगा, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो इसीलिए हम अब इसको लेकर चलेंगे कि इसका जो डिटर्मिनेंट है डैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ इंटीग्रल बेसिस। सो यहाँ पर इसीलिए डायरेक्ट गिवन है ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे इसने कैलकुलेट कर रखा है, तो आप चाहे तो ये एड ऑन कर सकते हैं ये लाइन नोट्स में। तो ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई की वैल्यू यहाँ से उठाई हमने, यहाँ पुट कर दी, एंड सिमिलरली डब्ल्यू जे भी कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी, ये डब्ल्यू आई है तो डब्ल्यू जे भी हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली पुट कर दिया, यहाँ वेरिएबल चेंज कर दिया, आई जे था ना तो डब्ल्यू आई था तो आई तो रखा, जे की जगह हमने अनदर वेरिएबल टी दे दिया, सिमिलरली यहाँ पर एम दे दिया। समीशन दोनों के बाहर आ गए, टी ओवर एम, टी एंड एम के सी आई टी सी जे एम, ट्रेस ऑफ थीटा टी थीटा एम। Now, if we define omega as wij, c as cij matrix and theta as theta ij matrix, then we can write the above matrix equation as sigma dash sigma, ये हमने पहले भी किया है, trace of this किसके इक्वल होता है, सिग्मा डैश डिस दिस के, क्योंकि अगर हम ये हमने पिछले थ्योरम में भी किया था कि सिग्मा की वैल्यू अगर ये है तो इसके ट्रांसपोज के साथ दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे तो सम ऑफ कंजुगेट्स आता है, जबकि इसका ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ कंजुगेट्स के, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा डैश सिग्मा इज इक्वल टू, ये सी मैट्रिक्स पुट किया है हमने, ये सी का ट्रांसपोज सी, ये क्या हो गया आपका ट्रेस ऑफ थीटा टी थीटा एम, सिमिलर बेसिस पर होगा तो इसको हमने क्योंकि थीटा माना था तो थीटा डैश थीटा, जैसे ये सिग्मा डैश सिग्मा है ऐसे ही ये थीटा डैश थीटा हो गया, ट्रेस ऑफ दिस है तो, और ये हो गया आपका कांस्टेंट हमने इकट्ठा इसको मान लिया सी और सी डैश। अब दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे बोथ साइड, तो तीनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग दे सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी डैश, डिटर्मिनेंट ऑफ थीटा डैश थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ वन, डिटर्मिनेंट ऑफ सी डैश इज़ ऑल्सो वन, आइदर माइनस वन भी होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, थीटा डैश थीटा बच जाएगा। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द बेसिस, बेसिस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट हमारे पास सेम ही आएगा अगर आप कोई भी बेसिस चूज़ करें, ये कॉरेस्पॉन्डिंगली डब्ल्यू वन डब्ल्यू एन है और ये कॉरेस्पॉन्डिंगली थीटा वन टू थीटा एन है, तो दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेस डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे स्टार इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ इंटीग्रल बेसिस। वी विल डू एन एक्सरसाइज, शो डैट द डिस्क्रिमिनेंट इज वेल डिफाइंड, हमें ये प्रूव करना है, इन अदर वर्ड्स शो डैट गिवन दीज एंड दीज टू इंटीग्रल बेसिस हमें गिवन है तो वी गेट द सेम डिस्क्रिमिनेंट फॉर के, हमें ये निकालना है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो सेम आएगा। देखिए अब पिछले थ्योरम में किया था उसी से आगे करना है, पिछले में हमने प्रूव किया सिग्मा डैश सिग्मा इज इक्वल टू दिस, ठीक है, अब हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है दिस, अभी हमने डेफिनेशन की थी, इसको हमने टू टाइम लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा और डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा ट्रांसपोज इक्वल होता है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा इक्वल होता है, सो एक को हमने रिप्लेस कर दिया उसके ट्रांसपोज से। आप प्रोडक्ट में मॉड्यूलस हैं तो उनको कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी, सो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमने अभी लास्ट निकाली थी तो डिटर्मिनेंट ऑफ दीज अलग अलग कर दिया, सिग्मा दिस इज़ नॉट ओके, नाउ थीटा थीटा डैश इन दोनों को इकट्ठा कर लिया विच इज़ इक्वल टू वन, थीटा थीटा डैश किसके इक्वल होता है, दोनों को सेपरेट करें तो थीटा थीटा डैश, जबकि दोनों का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है तो थीटा का स्क्वायर लिख दिया। तो देखिए डी के क्या आ गया यहाँ पर, थीटा स्क्वायर जबकि लेकर चले थे सिग्मा स्क्वायर, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है डैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ इंटीग्रल बेसिस बिकॉज दोनों के डिटर्मिनेंट